तेरे व्लॉग के बारे में मैं यही कहूंगा। मिलते हैं छोटे से। एक सेकंड, टीटू भाई जी को कंग्रेचुलेशंस को। हाँ, आज इनका बर्थडे नहीं है। बोलो टीटू भाई जी, क्या आज है? मैं छोटे से बात कहना चाहती हूँ। वो छोटे शब्दों में कहनी, फिर छोटे शब्द में कहूंगी, होगा एक ही। वो पुरानी बात सुनी ना, हाय मेरा दिल इतना बड़ा दिल। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप? आज बाहर बैठे हैं क्योंकि पंजाब में आए हैं, अमृतसर में आए हैं। यहाँ आके भी आपने अंदर ही बैठना, कोई फायदा है पापा? नहीं। ये लोगों को क्लियर करना पापा बहुत जरूरी है, नहीं तो लोगों को लगे मम्मा ने घर से बाहर निकाल दिया। अरे नहीं नहीं नहीं, वो ऐसे थोड़ी निकालती है। अगर उसने निकाला होता तो ऐसे ऐसे थोड़ी बैठे होते। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं विटामिन डी। हाँ जी साक्षी, बड़े कमेंट ये भी आते हैं कि आपके पापा का फेस ग्लो कैसे करता है। मैं आपको बता दूं, हालांकि पापा ने कभी मुंह फेस वॉश से धोया भी नहीं, कुछ साबुन तक यूज नहीं करते। नहीं नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई क्रीम नहीं। इसको भी बड़े आते हैं कि तुम इतने स्मार्ट के, जब भी ये कभी नहाया भी नहीं जिंदगी में। और पापा, आप मेरे व्लॉग के बारे में कुछ कहना चाहते हैं? तेरे व्लॉग के बारे में मैं यही कहूंगा कि मैं बहुत बड़ा फैन हो गया हूँ तेरा। मतलब तेरे व्लॉग मैं रोज देखता हूँ, जब भी ये व्लॉग डालता है मैं सुबह उठ के पहले इसी का व्लॉग देखता हूँ, नहीं तो मुझे भूख नहीं लगती। ठीक बोला ना, इसने जो बोला था मैं बोल दिया। ठीक है पापा, वो मनी के व्लॉग की बात हो रही, मेरे थोड़ी। अच्छा तेरे में बोलना था। अरे बड़ा रहा। इसके व्लॉग में मैं रोज देखता हूँ। मेरे को समझ नहीं आता सुबह क्या बोला। लाइक भी करता हूं मैं। लाइक भी करता हूं। मुझे लगा इसने कहां है कैसे बोला। अच्छा ये तेरा है? तेरे व्लॉग में रोज देखता हूं। थैंक यू, कमेंट भी करके जाए। तो चलो दोस्तों, ये पीछे जो आपको घर नजर आ रहा है ये हमारा है, और इसका टूर बहुत जल्दी पापा मुझे बोलेंगे कि तू अपने चैनल पे बना के डालना या नहीं डालना। चलो थोड़ी मिलते हैं छोटे से। ओए साक्षी बच गए मोबाइल। ओए पापा पीछे कर लेते ना थोड़ा। मुझे क्या पता पापा, सॉरी सॉरी, मैं इसको थोड़ा सा ऐसे ही बस। पापा का निशाना चूक गया। ना मुझे आज पता नहीं, हो निशाना लग गया, तेरे को मारना था। वही कह रहे, निशाना चूक गया, मारना आपको ना। अभी ये 500 रुपए की चप्पल ने 1,00,000 रुपए का मोबाइल तोड़ देना था, और मुझे बहाना तो मिल जाना था आईफोन नया लेने का। मतलब आप ऐसे ही प्यार देते रहें, व्लॉग देखते रहें, और आप इसको अपने ढंग से प्यार देते रहें। मेरा प्यार तो आपने देख ही लिया। ये देखो कवर का हाल, देखो कवर मोबाइल, और आज ही मैंने वो स्क्रीन गार्ड अभी निकाला, अभी वहां फेंका। और मैं कह भी रहा था पापा कि जब कोई चीज ऐसे करते हो ना, पर वैसे मेरे को सॉरी, मेरे को दुख लगा कि तेरे को लगा नहीं। मम्मा आपको पता है अभी पापा ने मुझे चप्पल मारी। क्यों? हाँ जी, और चप्पल की वजह से पता कितने का नुकसान होना था अभी बताओ। 1.5 लाख का। सोचो क्या हुआ होगा। चप्पल 1.5 लाख की है रेडी की? नहीं चप्पल तो चलो 500-700 या 2,000 की होगी। मेरा चप्पल 1.5 लाख। नहीं सोचो क्या हुआ होगा, चप्पल मारी मेरे तो नुकसान होने वाला था 1.5 लाख का। 1.5 लाख के कैसे हुआ होगा बताओ। वीडियो मोबाइल ले कैमरा, जल्दी से दिखा साक्षी, वो क्लिप दिखा मम्मा को। एक सेकंड। हो अरे कैसे फोन यही था, बचाओ गया ना। बच गया मम्मा। आज ही मैंने इसका वो कवर उतारा है, बाहर निकाला अभी, जस्ट अभी। कहते यहाँ से ना साइड से ना वो गार्ड जो होता है इसका, ये ब्रेक हो गया है, तो मैं इसको निकाल दूं। साक्षी मेरे ना हाथ पे चुभ रहा है बार बार, तो मैंने कहा निकाल दो। अभी निकाल के जस्ट कैमरा ही ऑन किया है। पूरा निशाना मारा पापा ने ऐसे, पूरा मोबाइल पे। और इनको लेके जाओ ना मेले में गुब्बारे फोड़ने के लिए, वो आज तक निशाना सही नहीं लगा। नहीं लगा, वाकई लगा। तेरे को पता नहीं मैं निशाना जो लगाया था, मैं मनी के ऊपर लगाया या फोन पे? आहो मम्मा, वो कौन सा निशानेबाज है। इधर उधर हो ही जाता थोड़ा बहुत। तो फिर अभी मिलते हैं आपको थोड़ी देर के बाद। मैं क्या, मेरे को रजाई चुरी निकले जा रहा, तू आ जा। यहाँ पे मोबाइल हो गया, बैटरी लो। मैं वीडियो एडिट कर रहा था और साक्षी को आवाज़ लगाई है, मैंने कहा मोबाइल की बैटरी चार्जिंग कर दे, मोबाइल चार्जिंग कर दे, पर आ नहीं रही। वो उधर कह रही है, कहती मुझे ठंड लग रही है। मैं इधर कह रहा हूँ मुझे ठंड लग रही है। मेरी माई, मेरे बच्चे आई, वाह वाह, बाहर आई, वाह बाहर आई, जन्नत आई। हाँ पर वीडियो च मेरी माँ ना आई, क्योंकि लाइट बिल्कुल कट है, तो मैं लाइट ढूंढे जगा लेनी है। हाँ वाह। हाँ जी मम्मा, कुछ कहना चाहते हो? मैं छोटे से बात कहना चाहती हूँ। छोटे शब्दों में कहनी, फिर छोटे शब्द में कहूंगी, होगा एक ही। हाँ बोलो। एक जुबान में। हाँ जी बोलो। बच्चे आई, बहार आई, बहार आई, तो मेरी जन्नत आई।
बिल्कुल मजा नहीं आया। क्यों? कोई बात ही नहीं बनी। बच्चों बता दो कितना मजा नहीं आया। तो माँ का कोई बोल गलत हो सकता है? मामा भी एक प्यार नहीं थे बच्चे, प्यार नहीं थे। एक काम करो, ठंड बढ़ी है, मेरे से कंबल से निकला नहीं आ रहा, आप मोबाइल चार्जिंग पे लगा दो। ओके बच्चे, चलो दोस्तों मिलते हैं। तो यहाँ पे टीटू भाई फिर से नई टेंशन देते हुए। हाँ जी, वो पुरानी बात सुनी ना, हाय मेरा दिल, इतना बड़ा बिल। तो अभी कितना बिल आया फिर? ये अब इतना नहीं बताना कितना आया, क्योंकि नहीं, फिर भी कितना आया इस बार यहाँ का? आया इस महीने आया 17,000। 17,000 तो वो तो ठीक है टीटू भाई, है ना? सर्दी का बिल आया 17,000। तो यहाँ पे टीटू भाई जी ने हमें एक और टेंशन दे दी है 5G की। ये फैन किसने चलाया? तब भी दो बार चला दिए, मम्मी को पता नहीं चला, बटन ऑन कर दिया फैन के। तो टीटू भाई ने एक नई टेंशन दी हुई हमें 5G। मुझे बार बार अपना मोबाइल दिखाते हैं, कहते हैं आपके मोबाइल के ऊपर ये 5G ऑप्शन दिखाते हैं। हर बार अपने फोन की ना कोई खूबी बता देते हैं, उसी चक्कर में हमने अपना फोन अपडेट पे लगाया। ये देखो, इससे पता चलता है हम कितना जेलस फील करते हैं। पंजाब में आया कुछ ना कुछ तो नया दिखाना था। वो चक्कर नहीं है, उसके बाद मुझे ये पूछते हैं, कहते आपका फोन 5G नहीं है? मैंने कहा नहीं मेरा 5G नहीं है। कहते मैंने तो इतने साल पहले ले लिया था जब 5G लॉन्च भी नहीं हुआ। सही बात है, इनका फोन चोरी हुआ था ना, जब हमारा होगा हम भी ले लेंगे। आज ले लेना था। आज तो मनी का फोन जो गिरा है ना, बस उसके बाद तो मुझे लगता है कि अब नया फोन ही लेने जाना था। अभी तक आ जाना था नया, अनबॉक्सिंग करते होना था। पता नहीं स्कूल या कॉलेज जब तक हम पढ़ते थे ना, तो बड़ा ही शौक होता था कि आईफोन लेना है या कोई फोन। अब शौक ही मर गए हैं शादी के बाद। शादी तो और एक सेकंड टीटू भाई जी को कंग्रेचुलेशंस को। आज इनका बर्थडे नहीं है टीटू भाई जी, क्या आज भाभी गए तो घूमने तो थोड़े दिन के लिए दुबई भाई की सेहत में भाई मुझे आराम है, इसलिए ये इतनी खुशी है चेहरे पे। क्योंकि और मैंने ये पूछा टीटू भाई को, टीटू भाई भाभी को फोन किया है? कहते नहीं। तो अगर भाभी ये वीडियो देख रहे हैं तो भाभी मैं आपको बता दूं, टीटू भाई यहाँ पे बड़े ही खुश है और फोन पे नाटक करेंगे आपके साथ। बात ये है, ये कह रहे मैंने फोन नहीं किया कल से, मैं जब से वो गई मैंने फोन नहीं किया। तो बात ये भी है ना, उन्होंने कौन सा किया है? बात टक्कर की है, बराबर की होनी चाहिए। तो चलो फिर अभी हम मिलेंगे कल आपको कुलचे खाने के साथ। तो चलो टीटू भाई मिलते हैं कल। गुड नाइट। एक बात याद आ गई मुझे। हाँ जी। मैं मनी सर को ना प्लीज अब कल मैसेज दे देना कि परसों से आ जाएं, क्योंकि कल का फंक्शन अटेंड करने के बाद मैंने ना जिम स्टार्ट करना है, और परसों से जिम स्टार्ट करके फिर दूसरी शादी तक मैं बिल्कुल फिट होना चाहती हूँ। होये मम्मा, साक्षी दूसरी शादी कर रही है। मम्मा कजिन की शादी के बाद। हाय मम्मा।